कोशिश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में यूक्रेन कहां पर खड़ा होता हुआ नजर आता है, इस पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर हमला किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले लगातार जारी है, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध पर यह सबसे बड़ी खबर। तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरीके से खेरसोन में रूस की सेना पर हमला किया गया है ड्रोन के जरिए। रूस की सेना लगातार मिसाइल अटैक कर रही है और उसको जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरीके से तैयार है। अब ड्रोन के जरिए यूक्रेन की सेना की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप देखिए, यह ड्रोन के जरिए हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। आज इस महायुद्ध का चौथा दिन, और ऐसे में इस युद्ध की तैयारियां जो कि पहले दिन से दिख रही थी, वो लग रहा था कि रूस का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब, डटकर सामना करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति एक साफ कर चुके हैं कि बातचीत होगी तो शर्तों के साथ नहीं होगी, ना ही बेलारूस में बातचीत होगी और ना ही कोई शर्त रूस सामने रखेगा। बातचीत होगी तो दोनों देशों के राष्ट्रपति, दोनों देशों की सेना आमने सामने होगी। और इसके साथ ही आप देखिए किस तरीके से रूसी सेना पर हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से, ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया है, और ऐसे में हर एक हमले का जवाब देता हुआ यूक्रेन। तो रूस के हमले पर ब्रिटेन से बड़ा दावा सामने आया है। ब्रिटेन को साफ कहना पड़ा है कि अगर यूक्रेन पर हमले नहीं रुके तो नाटो से संघर्ष होगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि यूक्रेन और रूस युद्ध लंबा चलेगा। रूस यूक्रेन बातचीत पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया सामने आई है, ब्रिटेन को पहले अपनी सेना वापस बुलानी चाहिए, यह कहा गया है ब्रिटेन की तरफ से। और इसके साथ ही ये तीन तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, किस तरीके से नाटो से अब संघर्ष होता हुआ नजर आ रहा है। हमले पर ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया है कि देखिए रूस की सेना को वापस आना होगा, इस महायुद्ध को रोकना होगा। इसके साथ ही अलग अलग देश जो कि पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच इस महायुद्ध को लेकर यह बड़ा दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया है कि यह जो महायुद्ध है वो लंबा चलेगा, पहले सेना की वापसी हो और उसी के बाद अगला कदम हम आगे बढ़ाते हुए नजर